शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से सदा अभय ये कहने ऊपर रखने थे अब तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर से नजरें नहीं हटा पाऊंगा चले जानते अभय आज तो मुझे कि माता रानी ने बचा लिया वरना भाई को तो शक हो जाता वो तो मैं ऐन वक्त पर वहां पर आ गई और मैंने गहने की पोटलियां बदल दी अब असली गहने हमारे पास हैं और नकली उसके पास पर पता है मुझे कितना डर लग रहा था कहीं उसने मुझे देख लिया होता तो अरे बाबा देखा नहीं ना तो बस फिर ज्यादा सोचूंगा और मेरे सामने तो उस चुड़ैल का नाम भी मत ले तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से जान छुड़ा के भागा हूं मैं चलो तुम लेट जाओ अबे अरे अबे ये क्या कर रहे हैं आप मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना मेरे पैर को हाथ मत लगाया कीजिए छोड़िए तंग मत करो मुझे मैं कुछ कर रहा हूं तुम्हारी मम्मी ने एकदम कमाल की जिस चीज की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उसकी सबसे ज्यादा चिंता करती है अब आप ही आपको समझाओ मेरी तो ये सुनती नहीं प्रिया आपको पता है आपकी मम्मी ने हम सबसे अपना दुख छुपाती है इन्हें बोल दीजिए कि जितना भाव खाना ना भी खा ले क्योंकि एक बार आप आ जाओगे ना तो पापा और गुड़िया की एक टीम होगी वैसे गुड़िया क्यों लड़का भी तो हो सकता है मुझे पता है गुड़िया ही होगी क्योंकि जब से मुझे इसके बारे में पता चला ना तब से मैं एक ही सपना देखता हूँ कि एक नन्ही सी प्यारी सी परी जैसी छोटी सी श्रद्धा ना हमारी ओर भागते हुए आ रही है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम अपनी मम्मी जैसी तो मम्मी की तरह बहुत बहादुर और मेहनती है सबसे अच्छी हाँ बस थोड़ी आप अपनी मम्मी की तरह ना बुद्धू मत बनना हाँ मैं बुद्धू हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी बुद्धू जो आंखें पहले बंद कर लेती है फिर सब पे भरोसा कर लेती है प्रिया का दिमाग तो एकदम पापा जैसा होगा होशियार और जबरदस्त बाकी सूरत सीरत सब मम्मी जैसी प्रिया ये चुड़ैलें तो उन्हें भी चैन से नहीं बैठने देती आप जाके दरवाजा खोलिए जल्दी वरना वो और शक करेगी चाहिए पायल क्या हुआ तुम ठीक हो ना दरवाजा अंदर से बंद था क्या कर रहे थे अंदर जरूरी बात कर रहे थे क्या श्रद्धा से क्या बात करूंगा वही वो बार बार वो खर्चे पे भाषण ये क्यों लिया वो क्यों लिया यार अपने मैं तंग आ गया हूँ वो तो अच्छा हुआ तुम मैन मौके पे आ गई और मुझे बचा लिया अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुई तो शुक्र है बाकी सब भी आ गए अब मैं देखता हूँ कौन आया है अरे आप सब लोग आ गए
आइए आइए। चलो बहुत आराम कर लिया सबने, अब कमर कस लो, कल गोद भराई है। गोद भराई अचानक? क्यों? अचानक से थोड़ी ना, पंडित जी को तो कब से बोला हुआ था मुहूर्त निकालने के लिए। पर मम्मी की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में गोद भराई क्यों करना है? और मम्मी जी को भी तो पैर में इतनी चोट आई है, फिर क्यों? देखिए एक बात हम बता देते हैं, दोनों मम्मियां तैयारियों के कार्यक्रमों से दूर रहेगी। अरे हमको और नैना भाभी को मत भूल जाओ, हम दोनों है सब संभाल लेंगे। गोद भराई की कार्यक्रम की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। श्रद्धा तुम हमारे साथ वहाँ चलोगी और पायल आंटी जी के साथ यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि आंटी जी पायल को अपने हाथ से तैयार करेंगी। ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, जब ये गधे लगे होंगे गोद भराई में तब गहने बदल कर शुरू होगा मेरा कार्यक्रम जेब भराई का। श्रद्धा चिंता मत करो, यहाँ आंटी जी के साथ हर काम के लिए मैं हूं उनका साथ दूंगी, ताकि गोद भराई की रस्म में कोई विघ्न ना पड़े। तो चिंता मत कर, पायल पे हर वक्त सोनिया नजर रखे होगी। आज तक हमें इतना अपनापन किसी ने नहीं दिया। थैंक यू सो मच यशवी आंटी जी कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। पायल बेटा हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कल हम तुम्हें अपने हाथों से तैयार करेंगे। अब क्या हो गया? अब तो सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है अभय, कल गोद भराई का फंक्शन है, घर पे सभी लोग होंगे, ऐसे में कैसे रोकेंगे हम पायल को? मम्मी को तो उसकी असलियत के बारे में पता भी नहीं है, वो तो ये कह रही है कि पायल को अपने हाथों से गोद भराई के लिए सजाएंगी। बच्चों को लेकर सब कितने खुश हैं, हमारी खुशी में उनकी खुशी है, लेकिन आप ही बताइए ना, क्या वरुण जी को पैसों की जरूरत नहीं है? एक बार भी उन्होंने अपनी सैलरी के बारे में हमसे नहीं कहा। मम्मी जी को इस वक्त पैसों की कितनी दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो हमारी खुशियां सबके साथ बांटना चाहती है। अब ये सब देख के ना इतनी खुशी होती है, उतनी ही तकलीफ भी होती है। हमारी वजह से सब कितने मुश्किल में पड़ गए। एक मिनट रुको। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे माथे पे तकलीफें गिन रहा हूँ। ये वाली है मम्मी की चिंता और वो वाली है बच्चों की चिंता और ये वाली ना मेरी चिंता और ये वाली है खर्चों की चिंता। अब से तुम्हारी सारी तकलीफें मेरी और सारी खुशियां तुम्हारी। हम बोल रहे हैं ना कि शाम तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। नहीं नहीं घर आने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा की वजह से हम घर से निकल नहीं पाए। जेवर, पर ये जेवर कल हमारा सारा कर्जा उतार देगा।
अरे ये क्या, हमें तो लगा था कि हम साथ मिलकर सब कुछ करने वाले थे, लेकिन आपने तो सब कुछ अकेले ही कर दिया। अरे अकेले कहाँ ताई जी, अरे अकेले नहीं तिकेले। सुबह 3 बजे से ये उठी हुई है और खुद कहाँ उठी, साथ में हमें भी उठा दिया ये लड्डू बनाने के लिए। आरती बेटा, ये जो तुम्हारी नाजुक कलाइयाँ है ना, वो सिर्फ कंघा घुमाने के लिए ही है, अरे इसमें जान ही नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खीर भी बनानी है। पूजा की बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुरानी, अब जो रसोई है ना वो भी तुम्हारे गुण देखना चाहती है, तो जरा इसमें भी हाथ बटा दो। बटा दो ना। वाह बुआ जी, बहुत अच्छे। आप क्या बैठे बैठे सब ऑर्डर देंगी या कुछ काम भी कर लेंगी? अरे ऋतु आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ रसोई की चिंता आप मत करिए। अरे तनुजा भाभी, ये कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही, जो सारे इनाम आप ही को चाहिए। अरे हम भी है मैदान में आपकी मदद करने के लिए। लेकिन कुछ भी कहो, आज ये सास ना बड़े जोश में है। हाँ जोश तो है, अपनी बहू के इस खास दिन को उसके लिए और भी खास बनाने के लिए बहुत जोश है। उस बहू के चेहरे पे मुस्कान लाने की, जिसने दिन रात हमारी सेवा की, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार को उसने सबसे ऊपर रखा, अपनी परवाह तक नहीं की उसने, और हम उसकी जगह दूसरी बहू लाने का सोच लिए। बहुत गलत किया हमने, लेकिन अब हम ही सब ठीक करेंगे। वो सब कुछ करेंगे जिससे हमारी श्रद्धा के चेहरे पे वो मुस्कान वापस लौट आए। मम्मी जी, बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो इस घर में मुझे आप जैसी सास नहीं माँ मिली है। अभी भी आप इतनी तकलीफ में हैं और आप फिर भी सिर्फ मेरी खुशियों के ही बारे में सोच रही हैं। कमाल है, यहाँ मैं सारी डेकोरेशंस खुद संभाल रहा हूँ, उसकी किसी को कोई कदर ही नहीं। अबे वहां पर है और आप सब यहाँ, ऐसा लग रहा है यहाँ काम नहीं चल रहा, पार्टी मनाई जा रही है। ओहो वरुण भैया, चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ डेकोरेशन करने में। हाँ हाँ वरुण जी, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। अरे ये तो कमाल है, मतलब तुम तो अभी अपनी सजावट से इंकलाब करने वाली थी और अभी हम भी मदद करते हैं। लो जी, ये एक हमारे घर की बहू है जो काम शुरू होने से पहले ही काम चोरी शुरू है ना। अच्छा चलो चलो, अब सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, शाम तक सारी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। हाँ चल आती। अरे ये लो, अब चलो। माँ बनने वाली औरत के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। आज हर चीज बहुत जच रही है तुम पर। और हमें सबसे अच्छा तब लगेगा जब हम इस घर के सारे गहने बेच देंगे। सब कुछ कैसी लालच भरी नजरों से देखती है ये बेचारी आंटी। इस जैसी को इतनी इज्जत दे रही हैं, उन्हें क्या पता कि यही है वो जिसकी हर चीज पर नजर है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, किसी की बुरी नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाया है तुम्हें। अब इस बुढ़िया को क्या बताएं कि इसकी बेटी और उसके बच्चे को तो नजर लग चुकी है हमारी काली नजर। यहाँ गोद भराई खत्म होगी, वहाँ श्रद्धा का बच्चा खत्म, क्योंकि त्रिपाठी खानदान का सिर्फ एक वारिस होगा, हमारा बच्चा।
जितना खुश होना है अभी हो लो, क्योंकि अब ज्यादा दिन की बात नहीं है पाया। एक बार बच्चा घर के अंदर, तुम सीधा घर के बाहर। बहू कितनी सुंदर लग रही है, कोई तुम्हारी तरह खूबसूरत लग ही नहीं सकता है। नजर ना लगे इसलिए हम तुम्हें काला टीका लगा दे। तनुजा भाभी, आपने जितने प्यार से श्रद्धा को तैयार किया है, ऐसा लग रहा है कि प्यार का कवच जैसे लगा दिया हो। अब अगर कोई बुरी नजर से देखने की कोशिश भी करेगा ना, तब भी उसी की आंख फूटेगी। हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन फिर भी अपने तसल्ली के लिए हम इसे काला टीका जरूर लगाएंगे। ओहो, हमारे गुलदस्ते के दो प्यारे से फूल, इस सास बहू की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अरे वैसे रसम मुहूर्त और यशवी जी का क्या हाल है? अरे कोई तो फोन लगाओ। और वो छमछम पायल, वो तैयार हो गई? हाँ, हमारी बात हुई उनसे। सक्षम भाई साहब ने कहा उन लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम बाहर हॉल में जाकर ना तैयारी देख कर आते हैं जरा। हाँ, और हम फिर से फोन लगा लेते हैं, देखते हैं उन लोग कहाँ तक पहुँचे। हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हम भी आते हैं। आते हैं। हाँ, माता रानी, आपके आशीर्वाद से अभी तक सब कुछ ठीक हो रहा है। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा कि आगे की रस्म में कोई विघ्न या फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। मान गए, एकदम चकाचक तैयारी की आपने। बस क्या, क्या लग रहा है? अरे वाह वरुण बेटा, तुम्हारी मेहनत से बहुत रंग लाई। वाकई भाषा सजावट तो वाकई बहुत अच्छी है। सजावट तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन अभय ने बताया कि वो लोग कब आ रहे हैं यहाँ। लीजिए, नाम लिया और वो आ गए। वो देखिए, लो आ गए। क्या हुआ बेब, कोई नई परेशानी? नहीं भाई, मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि श्रद्धा की डिलीवरी को अभी टाइम है, पर पायल का खास ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। अरे जितनी जल्दी तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, उतनी जल्दी हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। नहीं, ये मुसीबत मेरी और श्रद्धा की है। अच्छा, तू ये तेरा मेरा कब से करने लगा? गिनवाऊं तुझे कितनी बार तूने हमारी मदद की? एक्चुअली चाचू ने ना तुझे बिल्कुल सही नाम दिया था, नालायक है तू। क्या भाई यार, तू भी बिल्कुल चुप। और अभी तू पहले ये सोच कि दो दो बच्चों को तू संभालेगा कैसे। अरे हमसे तो एक नहीं संभल रही, और तू तो फिर भी खुश नसीब है कि तेरे साथ श्रद्धा जैसी पत्नी है जो खुद एक फौज के बराबर है। नाम लिया और हमारी असली फौज आ गई।
क्या हो भाई, कहाँ खो गया? अच्छी लग रही हो। दूधो नाओ पूतो फलो, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। श्रद्धा बेटा चलो, सोनिया आओ श्रद्धा को ले चलो। श्रद्धा की तारीफ तो जबरदस्ती करनी पड़ती है, पर असल में अगर कोई खूबसूरत लग रहा है तो वो तुम हो। वरुण, इस फाइल पर ना हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी, वरना तो ये सब लोग यहाँ ऐसे ही झूठे प्यार में डूबे रहो ताकि हम मौका देख के यहाँ से निकल सके। सुनिए सुनिए सुनिए, आज आरजे ऋतु नहीं लेकिन त्रिपाठी परिवार की ऋतु बुआ का आप सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए हम किसी की बहन है, किसी की ननंद है और ज्यादातर लोगों की ऋतु बुआ है। तो चलिए आज की पहली पेशकश के लिए सब तैयार हो जाइए। तैयार है आप सब? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।